ट इस ट्राई टू इम्प्लीमेंट वॉट वी हैव डिस्कस राइट नाउ यानी बिटवीन ऑपरेटर जो हमने डिस्कस किया है उसको हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं नाउ लुक एट द स्क्रीन जो क्यूरी विच वी हैव इन आर हैंड इज राइट आर क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज इम्प्लॉयज हुनिंग एट लीस्ट टू नाइन सेवन फाइव एंड एट मोस्ट फाइव थाउजेंड डॉलर एंड आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर ट्वेंटी एंड आर रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय नंबर सेवन एट थ्री नाइन तो यहां पे सिर्फ बिफोर आई डू द एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट ये है कि दो रेंजेस हमारे पास हैं कि जो सैलरी है वो टू नाइन सेवन फाइव एंड फाइव थाउजेंड की रेंज के दरमियान होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट नंबर को ट्वेंटी होना चाहिए और जो एम्प्लॉय का बॉस है यानी द एम्प्लॉय जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो भी एक एम्प्लॉय ऑब्वियसली उसकी एम्प्लॉय आई डी सेवन एट थ्री नाइन होनी चाहिए तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय टेबल का उसके अंदर एक कॉलम है एम जी आर दट इज फॉर मैनेजर नॉट एज अ एजिग्नेशन एज इफ उसका मैनेजर कौन है और ऑब्वियसली जो उसका मैनेजर है वो भी एक एम्प्लॉयजर तो के अंदर सेवन एट थ्री नाइन इज द मैनेजर विच वी आर लुकिंग फॉर यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब तक मैनेजर सेवन एट थ्री नाइन को रिप्ले को रिपोर्ट नहीं करेगा दैट पर्टिकुलर इंप्लाय विल शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज एन आउटपुट फॉर द कैंडिडेट सो नाउ लुक एट द स्क्रीन एंड लेट मी कॉपी दैट क्यूरी विच आई हैव है एंड सी सीम कॉपीड कॉपी हो गया, डी लेट्स ट्राई टू रन एट ओके ओके सो नाउ लुक लेट्स एनालाइज द आउटपुट स्टेरिक मीन और कॉलम्स फ्रॉम इंप्लॉय मीन वेयर सैल इज बिट्वीन टू नाइन सेवन फाइव अब यहां ये वैल्यू मैंने टू नाइन सेवन फाइव जानबूझ के लिखी है ताकि आपको यह बता सकूं कि जो बॉर्डर वैल्यू है यानी बॉर्डर वैल्यू इसके अंदर है टू नाइन सेवन फाइव एंड फाइव थाउजेंड अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी एग्जैक्टली टू नाइन सेवन फाइव होगी तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि तो मैंने आपको अभी बताया जो बॉर्डर वैल्यूज हैं वो इंक्लूसिव हैं सर्च के अंदर तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी टू नाइन सेवन फाइव या फाइव थाउजेंड एग्जैक्टली है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और इन दो रेंजेस का दरमियान अगर किसी की सैलरी है तो ऑब्वियसली वो सिलेक्ट हो जाएगा तो सैलरी शुड बी बिटवीन टू नाइन सेवन फाइव एंड फाइव थाउजेंड एंड डिपार्टमेंट नंबर शुड बी ट्वेंटी विच इट इज And MGR is seven eight three nine, तो MGR is this column. तो so, ये रोह हमें ये बता रही है कि जो employee है जिसका नाम Jones है वो report कर रहा है manager seven eight three nine को जो कि खुद एक employee obviously, और जो Jones जो है उसकी salary है two nine seven five यानी उस range के दरमियान है जो range we are looking for, और जो उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है वो ट्वेंटी है तो दिस इज द वे टू यूज बिटवीन ऑपरेटर अगेन आई रिपीट जब हम एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं आई एम यूजिंग एनी अदर कंडीशन एज यूज कर रहा था मैं एक ही क्यूरी के अंदर लाइक बिटवीन इन एंड ऑर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज कर सकता हूं देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन की जब बिटवीन यूज करना है तो इन इन नहीं यूज करना जब इन यूज तो करना है तो लाइक नहीं यूज करना ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है अगर होती तो मैं आपको बता देता कि हमने अगर बिटवीन यूज करना है तो और नहीं यूज करना एंड सो ऑन दी आर जस्ट ऑपरेटर्स वी कैन यूज दम एज ऑफ वेन नीडेड अब जो रिक्वायरमेंट जब भी आपके पास आएगी तो यहां पे बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज ने डेवलप होना है कि रिक्वायरमेंट को आप कैसे मैप करते हो आउटपुट के साथ आउटपुट से मुराद है हमारी क्यूरी तो इट्स अयर गेफ ऑफ प्रैक्टिस नाउ फॉर यू गायस के द मोर क्यूरी यू विल राइट द मोर इज इट वुड बी फॉर यू रिक्वायरमेंट को देखते साथ ही आप क्यूरी का जो 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 स्ट्रक्चर है जो अप है वो लिखना शुरू कर दें